नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कॉमन नाउन में आर्टिकल से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी बातें। जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉमन नाउन अगर एक वचन हो तो उसमें आर्टिकल लगता है। लेकिन क्या कॉमन नाउन बहुवचन हो तो उसमें आर्टिकल लगता है? आप बोलोगे नहीं तो मैं बोलूँगा हाँ। कैसे, देखिए, यहाँ पे कॉमन नाउन एक वचन है तो इसमें मैं आर्टिकल लगा सकता हूँ। यहाँ पर आप ए एंड द के अनुसार कोई सा भी आर्टिकल लगाते हो, ज़्यादातर यहाँ पर ए या एन ही आता है। टीचर्स आर टीचिंग, यहाँ बहुवचन है तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊँगा। यहाँ पर क्या था, ये सिंगुलर था, एक वचन था तो मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन है तो मैं यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब नीचे देखा जाए तो यहाँ पर भी ये बहुवचन है, यहाँ पर भी क्या है, ये बहुवचन है, प्लूरल है, और यहाँ पर आर्टिकल नियम से नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पूरा सेंटेंस पढ़िए, टीचर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा हुआ है? टीचर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ लिखा हुआ है टीचर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ का जो टीचर है वो प्लेइंग क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ का टीचर जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। यानी टीचर का काम क्या होता है? टीचिंग करना होता है, लेकिन टीचर अपना काम छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, यानी अपना काम छोड़कर यहाँ पर ये दूसरा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दूसरा काम कर रहा है, अपना काम छोड़कर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर दूसरा काम कर रहा है। सब्जेक्ट अगर अपना काम छोड़कर दूसरा काम करे तो वो सेकेंडरी वर्क कहलाता है। कौन सा कहलाता है? सेकेंडरी वर्क कहलाता है। और उस पोजीशन में, उस कंडीशन में हम कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? दा लगेगा। यहाँ का जो टीचर वो अपना काम कर रहा है, टीचिंग कर रहा है। यहाँ का टीचर जो है वो अपना काम का टीचिंग कर रहा है, ये कहलाएगा प्राइमरी वर्क। क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी वर्क कहलाएगा। और जब अपना सब्जेक्ट प्राइमरी वर्क करता है तो हम यहाँ पर नो आर्टिकल लगाते हैं। कॉमन नाउन अगर बहुवचन की पोजीशन में, प्लूरल की पोजीशन में अपना प्राइमरी वर्क करता है तो हम नाउन यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अपना जो है कॉमन नाउन प्लूरल की अवस्था में हो और वो क्या कर रहा हो, सेकेंडरी वर्क कर रहा हो, क्या कर रहा हो, दूसरा काम कर रहा हो, अपना काम छोड़कर दूसरा काम कर रहा हो, तो वहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। ये थे कॉमन नाउन से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जो आर्टिकल से संबंधित थी। ऐसी ही कुछ ज़रूरी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमसे, फॉलो करिए और लाइक कमेंट करिए।